नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में पावर सोर्स। तो पावर सोर्स हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, एसी पावर सोर्स एज वेल एज डीसी पावर सोर्स, और इनमें हम पोलैरिटी भी अलग अलग यूज कर सकते हैं, स्टेट पोलैरिटी एंड रिवर्स पोलैरिटी। अब कहाँ पर कौन सी पावर सोर्स हमें यूज करनी है, ये कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, इसे कहते हैं सिलेक्शन डिपेंड। सबसे पहले देखेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि जो हम वेल्डिंग कर रहे हैं उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास करने के लिए कितना अवेलेबल है। सेकंड वन इज रेंज ऑफ मटेरियल्स टू बी हैंडल्ड, मटेरियल की रेंज क्या है जिनके और हमें वेल्डिंग करनी है, जिन्हें हमें हैंडल करना है। साइज एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड यूज, उस वेल्डिंग पर्पज के लिए हम इलेक्ट्रोड किस साइज का यूज कर रहे हैं, किस टाइप का इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं। वेल्डिंग स्पीड एंड पेनिट्रेशन, और वेल्डिंग करने की क्या हम स्पीड रख रहे हैं, और हमें डीप वेल्डिंग करनी है या लाइट वेल्डिंग करनी है, कैसी वेल्डिंग हमें करनी है, इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड होता है कि हम किस टाइप का पावर सोर्स यूज करेंगे। पहले बात करते हैं हम डीसी पावर सोर्स की। वेल्डिंग कैन बी डन ऑन वैरायटी ऑफ मेटल्स इन एनी डिजायर्ड थिकनेस। वेल्डिंग जो हम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेटल में, किसी भी टाइप के वेल्डिंग में मेटल में हम वेल्डिंग कर सकते हैं। वेल्डिंग एक पोर्टेबल ऑपरेशन होता है, हम वेल्डिंग मशीन को कहीं भी ले जा सकते हैं और वहां पर हम वेल्डिंग प्रोसेस कर सकते हैं। लोएस्ट इनिशियल कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। वेल्डिंग में इनिशियल कॉस्ट या ऑपरेशनल कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है, और इसमें कोई नो मूविंग पार्ट एंड ऑपरेशन इज क्वाइट, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता और ना ही इसमें कोई साउंड होती है, ये एक क्वाइट ऑपरेशन होता है। और ओपन सर्किट वोल्टेज इज यूजुअली कीप 10-20% हायर देन ऑफ डीसी वेल्डिंग। यहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज 10-20% ज्यादा रखा जाता है। VA करेक्टरिस्टिक ऑफ एन आर्क, आर्क वेल्डिंग लो वोल्टेज हाई करंट आर्क बिटवीन ए नॉन कंज्यूमेबल और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। आर्क वेल्डिंग में क्या है, लो वोल्टेज और हाई करंट आर्क होता है इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में। पावर सोर्स की बात करें हम, स्टैटिक एंड डायनेमिक करेक्टरिस्टिक्स। स्टैटिक वोल्ट एम्पियर करेक्टरिस्टिक में क्या आती है, कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज, और डायनेमिक करेक्टरिस्टिक्स में क्या आती है, डिटरमाइंड बाय मेजरिंग वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत कम ड्यूरेशन क्या है 1 माइक्रोसेकेंड, ट्रांजिएंट वेरिएशन इन आउटपुट वोल्टेज एंड करंट दैट अपीयर इन द आर्क इटसेल्फ। यहां पर ये VI करेक्टरिस्टिक कर्व शो किए हुए हैं, कांस्टेंट करंट एंड पावर सोर्स कांस्टेंट करंट के केस में। तो यहां पर करंट लिया हुआ है और यहां पर वोल्टेज लिया हुआ है, एक्स वाई जेड तीन अलग अलग पॉइंट पर करंट लिए गए। एक्स पॉइंट पर करंट इज 143 एम्पियर, वाई करंट इज 150 एम्पियर, जेड करंट इज 156 एम्पियर, और
ए बी सी यहाँ पॉइंट शो किए हुए हैं जिस पर वोल्टेज 13.3, 15 एंड 16.5। आर्क लेंथ 4 mm, 3 mm, 2 mm, 1 mm। जैसे जैसे हमारी आर्क लेंथ कम होती जा रही है, वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो रहा है फॉर ए कांस्टेंट करंट। अगर करंट हम कांस्टेंट रख रहे हैं तो आर्क लेंथ के रिड्यूज होने से हमारा वोल्टेज रिड्यूज हो रहा है। यहाँ पर है ए चेंज इन आर्क लेंथ विल कॉज करेस्पोंडिंग चेंज इन आर्क वोल्टेज एंड ए वेरी स्मॉल चेंज इन करंट। इलेक्ट्रोड मेल्टिंग एंड मेटल डिपोजिशन रेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद स्लाइट चेंज इन आर्क लेंथ। ग्रेटर टॉलरेंस टू आर्क लेंथ वेरिएशन। और ये कर्व हमारा होता है मैनुअल मैटर आर्क वेल्डिंग के लिए। पावर सोर्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक यहां पर दिखाई गई है। फ्लक्चुएशन इन मेल्टिंग रेट इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग कांस्टेंट करंट टाइप पावर सोर्स। यहां पर करंट और वोल्टेज, पहले वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, फिर हमारा कांस्टेंट वोल्टेज पर करंट इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद हाई करंट पर धीरे 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 हमारा वोल्टेज इंक्रीज होता है। अगर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम वोल्टेज करंट के रेस्पेक्ट में, तो जैसे जैसे हम करंट बढ़ा रहे हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स चेंज हो रहे हैं, शार्पली ड्रॉप और इंक्रीज हो रहे हैं। कांस्टेंट करंट पावर सोर्स यूज्ड प्राइमरली विद कोटेड इलेक्ट्रोड्स, स्मॉल चेंज इन एम्पियर एंड आर्क पावर फॉर ए करेस्पोंडिंग रिलेटिवली लार्ज चेंज इन आर्क वोल्टेज और आर्क लेंथ। एम्पियर में करंट में स्मॉल चेंज होने पर उसके करेस्पोंडिंग वोल्टेज में लार्ज चेंज होता है, शार्पली ड्रॉप होता है। द कर्व और कॉफ कॉन्स्टेंट करंट मशीन ड्रॉप्स डाउन वर्ड शार्पली। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो शार्प ड्रॉप हो रहा है। इन वेल्डिंग विद कोटेड इलेक्ट्रोड्स द एम्पियरेज इज सेट बाय द ऑपरेटर व्हाइल द वोल्टेज इज डिजाइन इनटू द यूनिट। जो करंट होता है वो ऑपरेटर द्वारा सेट किया जाता है। जो वेल्डिंग कर रहा है, जो ऑपरेटर है, वो करंट को सेट करता है और वोल्टेज हमारा डिजाइन किया जाता है। द ऑपरेटर कैन वेरी द आर्क वोल्टेज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ के ऊपर हमारा आर्क वोल्टेज डिपेंड होता है और ऑपरेटर उस आर्क लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करके उस वोल्टेज को वेरी कर सकता है। वेल्डिंग पैरामीटर्स क्या क्या हैं SMAW के लिए? यूजेज कांस्टेंट करंट टाइप ऑफ पावर सोर्स विद वेल्डिंग करंट इज 50 to 600 एम्पियर एंड वोल्टेज 20 to 80 वोल्ट, 20 से 80 वोल्ट वोल्टेज हो गया और 50 से 600 के बीच में एम्पियर के बीच में हमारा करंट हो गया। वेल्डिंग करंट रिक्वायरमेंट इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द थिकनेस ऑफ बेस मेटल टू द वेल्डेड। जो वेल्डिंग करंट होता है वो हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस मेटल। जो हमारा वर्क पीस है
उसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड होता है हमारा इनिशियल करंट। इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ प्लेट टू बी वेल्डेड इंक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ हीट इनपुट टू एंश्योर प्रॉपर मेल्टिंग पेनिट्रेशन डिपोजिशन। तो थिकनेस के साथ साथ, वर्क पीस की थिकनेस के साथ साथ हम पावर इनपुट को भी उसी हिसाब से चेंज करते हैं। जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतनी हमें पावर इनपुट देनी होगी जिससे कि वो प्रॉपरली मेल्ट हो सके, पेनिट्रेट हो सके और डिपॉजिट हो सके। तो वर्क पीस की थिकनेस के ऊपर ये डिपेंड होता है। वेल्डिंग करंट सेटिंग, वेल्डिंग करंट की सेटिंग कैसे करते हैं। टू हाई करंट डैमेज टू द इलेक्ट्रोड कोटिंग ड्यू डिकम्पोजिशन ऑफ फ्लक्स मच अर्लियर देन व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। अगर हम ज्यादा हाई करंट कर देंगे तो वो जो इलेक्ट्रोड की कोटिंग होती है उस कोटिंग को डैमेज कर देगा, इसलिए हम ज्यादा हाई करंट नहीं ले सकते। टर्बुलेंस इन आर्क जोन, और जो हमारा आर्क जोन होते हैं इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में डिफरेंट डिफरेंट आर्क जोन बनते हैं, उनमें टर्बुलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। लो करंट सेटिंग मेक्स आर्क अनस्टेबल, पुअर पेनिट्रेशन एंड लो फ्लूडिटी ऑफ द मोल्टन मेटल। अगर हम लो करंट यूज करेंगे तो आर्क हमारी अनस्टेबल हो जाएगी, पेनिट्रेशन हमारा पुअर होगा और फ्लूडिटी हमारी लो हो जाएगी मोल्टन मेटल की। तो हम हाई करंट भी यूज नहीं कर सकते और हम लो करंट भी यूज नहीं कर सकते। हाई वेल्डिंग करंट डिक्टेट्स यूज ऑफ लार्ज डायमीटर इलेक्ट्रोड। जब इलेक्ट्रोड का डायमीटर बहुत लार्ज होगा उस केस में हम हाई वेल्डिंग करंट यूज कर सकते हैं। कॉमर्शियली अवेलेबल इन डिफरेंट साइज लाइक 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10 mm डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड जो बनाए जाते हैं उनके स्टैंडर्ड साइज होते हैं, उनका डायमीटर जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड डायमीटर के इलेक्ट्रोड बताए गए। वेल्डिंग करंट इज जनरली सेलेक्टेड इन रेंज ऑफ 40 टू 60 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोड डायमीटर। जिस डायमीटर का हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं उस डायमीटर के 40 से 60 गुना वेल्डिंग करंट हम यूज करते हैं फॉर प्रॉपर वेल्डिंग। वेल्डिंग करंट का इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ वेल्डिंग करंट ऑन मेल्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड इन डिफरेंट डायमीटर्स। तो यहाँ दिखाया गया बर्न ऑफ रेट, यहाँ पर दिखाया गया करंट, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है इलेक्ट्रोड का डायमीटर। अगर हम 1 mm डायमीटर का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो करंट जैसे जैसे बढ़ेगा बर्न रेट भी, बर्न ऑफ रेट हमारा इंक्रीज होता जाएगा। और जब हम लार्ज डायमीटर का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो वहां पर लार्ज करंट होगा और बर्न ऑफ रेट हमारा कम होगा। वहां पर हम ज्यादा डायमीटर के इलेक्ट्रोड में ज्यादा करंट हम फ्लो कराते हैं और बर्न ऑफ रेट हमारा कम होता है। एडवांटेजेस क्या है अब मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के। द इक्विपमेंट इज पोर्टेबल एंड लो कॉस्ट मेकिंग SMAW हाईली वर्सेटाइल एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड एडवांस वेल्डिंग प्रोसेसेस। इसमें क्या है, जिसके जो इक्विपमेंट होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं,
कॉस्ट कम होती है, इनिशियल कॉस्ट भी, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी, मेंटेनेंस कॉस्ट भी। तो इसकी वजह से SMAW वेल्डिंग हमारी हाईली वर्सेटाइल है और एडवांस वेल्डिंग प्रोसेसेस में ये मोस्टली यूज्ड होती है। बेस मेटल्स इंक्लूड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, सर्टेन नॉन फेरस एलॉयज। जिन मेटल्स के ऊपर हम वेल्डिंग कर सकते हैं, जो हमारे वर्कपीस होंगे, स्टील हो सकता है, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस एलॉयज, इन पर हम वेल्डिंग कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? अब ये मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग है, इसमें इलेक्ट्रोड हमारा कंज्यूमेबल टाइप का होता है, तो इलेक्ट्रोड की लेंथ वेरी होती रहती है ड्यूरिंग दी ऑपरेशन, क्योंकि वो कंज्यूम हो रहा है। इस लेंथ की वजह से, लेंथ अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, उससे हमारे रेजिस्टेंस हीटिंग अफेक्ट होता है। करंट लेवल की अगर बात करें हम, टू बी मेंटेन विद इन ए सेफ रेंज, अदरवाइज द कोटिंग विल ओवर हीट एंड मेल्ट प्री मैच्योरली वेन स्टार्टिंग ए न्यू वेल्डिंग स्टिक। तो करंट लेवल हम सेफ रेंज में ही मेंटेन करके रखते हैं। अगर करंट लेवल हमारा सेफ रेंज से बाहर जाता है, तो जो इलेक्ट्रोड की हम कोटिंग करते हैं वो ओवर हीट हो जाती है और वेल्ड स्टिक से पहले ही वो मेल्ट हो जाती है। यूज ऑफ द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड मस्ट पीरियोडिकली बी चेंज रिड्यूस द आर्क टाइम। जब इलेक्ट्रोड हमारा कंज्यूमेबल टाइप का है, तो हमें बार बार उस इलेक्ट्रोड को चेंज करना पड़ेगा, तो जो आर्क जनरेशन हो रही है, आर्क जनरेशन का टाइम हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ऑफर्स लिमिटेड शील्डिंग प्रोटेक्शन कंपेयर टू इनर्ट गैस शील्डिंग प्रोसेस। तो ये हमारे इस वेल्डिंग के वेरियस डिसएडवांटेजेस हैं। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हमारी मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग कंप्लीट हो गई। थैंक यू।